के लिए कल दोहरी खुशी का दिन रहा। सुबह पार्टी पदाधिकारियों ने ओबीसी आरक्षण के बहाल होने का जश्न मनाया तो शाम को द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर जश्न मनाया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर भाजपा के आदिवासी मोर्चा के तत्वाधान में विधान भवन चौक पर बखत बुलंद शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जश्न मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ता पीले रुपट्टे पहने हुए थे। उमरेड सिलाई टीम ने आदिवासी नृत्य भी प्रस्तुत किया। इस दौरान विधायक कृष्णा खोपड़े, प्रवीण दट्ट के पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, पूर्व नगर सेवक पिंटू झलके आदि ने खुशी जताते हुए प्रतिक्रिया साझा की। या सर्व याचा रेकॉर्ड ब्रेक करून एक गरीब महिला, आदिवासी महिला आणि याने आज राष्ट्रपतीच्या रूपाने त्यांनी निर्वाचन केलाय। खऱ्या अर्थाने आदिवासी समाजाचे मान सन्मान वाढवण्याचे काम अगर कोणी केलं असेल तर ते भारतीय जनता पक्षाने केलाय। नागपूर के नागरिकों की ओर से, भाजप की कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे नेता पंतप्रधान माननीय नरेंद्र भाई को और उनके साथ सारे हमारे नेताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो गर्वाचा आहे, जो आदिवासी समाजामध्ये जो उत्साह आहे, जो गर्व त्यांना वाटत आहे की त्या आदिवासी राष्ट्रपती तिथे बनले आहेत, परंतु आम्हाला असं वाटतं की आज आम्ही त्यांच्या ठिकाणी आहो, आमचा समाजाचा व्यक्ती तिथे बसलेला आहे, म्हणून त्याचा आम्हा सगळ्यांना खूप हे आहे, गर्व आहे। ये संपूर्ण आदिवासियों का सम्मान है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ और माननीय राष्ट्रपति महोदया का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन्हें राष्ट्रपति पद का दावेदार बनाया और आज मुझे लगता है कि वो राष्ट्रपति पद पे आने से सभी आदिवासी समाज का गौरव है, सभी भारतीयों का गौरव है। इस दौरान मोहन मते, गिरीश व्यास, अनिल सोले, डॉक्टर मिलिंद माने, राजेश, अश्विनी जिचकार, बाल्या बोरकर आदि मौजूद थे। ढोल ताशे बजाकर, फटाके फोड़कर जीत का जश्न मनाया गया। राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो है सारा देश का लक्ष्य लगा था कि कौन राष्ट्रपति बनेगा और आज आप देख पा रहे हो कि द्रौपदी मुर्मू ये भाजपा से कैंडिडेट ही ये राष्ट्रपति बन चुके हैं और आज आप देख पा रहे हो कि उपराजधानी नागपुर में यहाँ पे जो है जश्न चल रहा है। ढोल ताशे नगाड़े बजाकर ये जश्न किया जा रहा है, पटाखे फोड़ कर जश्न किया जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित है और जश्न मनाया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।